नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा Facebook के 11 ऐसे कमाल के ट्रिक जिनके बारे में केवल 5% लोग ही जानते होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल वाला आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज जो पहला नंबर का ट्रिक है उसके लिए सबसे पहले फेसबुक ऐप्स ओपन कर लीजिए। तो गाइज यदि आप नए नए फिल्म देखने के शौकीन है और वो फिल्म आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता हो तो आप फेसबुक पे वो फिल्म को देख सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च बार में टाइप करना होगा फिल्म का नाम, जैसे मैं यहाँ पे साहू मूवी टाइप करता हूँ। तो इस तरह से आप चाहे जितनी मर्जी उतनी नए नए मूवी को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, वो भी बिना ऐड के देख सकते हैं आप। वहीं दोस्तों अब बात करें दूसरे ट्रिक की, तो ये भी बड़े कमाल का ट्रिक है और मजेदार ट्रिक है। अगर आप गेम के दीवाने हैं तो फेसबुक पे बड़े ही आराम से गेम खेल सकते हैं, वो भी बिना डाउनलोड किए हुए। अगर आपका स्मार्टफोन में इंटरनल स्टोरेज कम हो तो यहाँ पे आप फेसबुक में बड़े ही आराम से कोई भी गेम को प्ले कर सकते हैं, वो भी बिना डाउनलोड किए हुए। तो यहाँ फेसबुक पे गेम खेलने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सबसे ऊपर में यहाँ पे तीन लाइन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढना होगा गेमिंग का। तो ये ऑप्शन है गेमिंग, तो यहाँ पे गेमिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे गेम हैं, आप जिस गेम को खेलना चाहते हो उस गेम को खेल सकते हैं। और भी ज्यादा गेम को खेलने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सी ऑल गेम पे, यहाँ पे आपको बहुत सारे गेम मिल जाते हैं। यहाँ पे फिर से सी ऑल करके आप बहुत सारे गेम को खेल सकते हैं। देखिए जिस गेम के भी बगल में प्ले लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करके आप इस गेम को खेल सकते हैं, वो भी बिना रुके हुए। तो यहाँ पे देखिए एक गेम को मैं प्ले करके आपको दिखला देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए आप फेसबुक में बड़े ही आराम से गेम को खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, वो भी बिना डाउनलोड किए हुए। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड स्लो भी रहता है तो भी आप इन्जॉय आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे ट्रिक की, तो ये भी बहुत कमाल का ट्रिक है और बहुत बढ़िया ट्रिक है। इस ट्रिक को बहुत कम ही लोग जानते होंगे। यदि आपके फेसबुक के लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी किसी व्यक्ति को पता चल जाए, मतलब कि आपके दोस्त को पता चल जाए और आप चाहते हैं कि वो हमारे अकाउंट को एक्सेस न कर पाए यूजर आईडी और पासवर्ड जानने के बाद भी, तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे तीन लाइन पे। क्लिक कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको दोबारा क्लिक करना होगा प्राइवेसी शॉर्टकट। अब प्राइवेसी शॉर्टकट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फेसबुक का पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पे हम अपना फेसबुक का पासवर्ड डाल लेते हैं, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू, और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा टेक्स्ट मैसेज पे, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर देना होगा। इससे होगा ये कि जब भी कोई भी व्यक्ति आपके फेसबुक का यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओपीटी जाएगा, ओपीटी डालने के बाद ही आपके फेसबुक को एक्सेस कर पाएगा। अगर ओपीटी नहीं डालेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों बात करें चौथे ट्रिक की, तो ये भी बहुत काम की और बहुत मजेदार ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको बहुत जगह जरूरत पड़ सकता है, मतलब कि आपका कोई फ्रेंड है और उल्टे सीधे पोस्ट डालता है, उल्टे सीधे वीडियो डालता है और उसे निकालना भी नहीं चाह रहे हैं और उसके पोस्ट भी नहीं देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस फ्रेंड को पोस्ट को सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके किसी फ्रेंड का पोस्ट को सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे इस तीन लाइन पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा असमुज कृष्णा कुमार फॉर 30 डेज, मतलब कि यहाँ पे असमुज के बाद उस फ्रेंड का नाम लिखा होगा फॉर 30 डेज। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरह से वो फ्रेंड कोई भी पोस्ट करेगा तो आपको 30 डेज के लिए उसका पोस्ट आपके फेसबुक में नहीं दिखलाई देगा। तो है ना काम का ट्रिक है। दोस्तों अब बात करें पांचवे ट्रिक की, तो ये ट्रिक बहुत कमाल की है और आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन कौन फोटो को लाइक करती है और किसके किसके पोस्ट पे लाइक और कमेंट करती है, तो आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे सर्च वाले आइकॉन पे, और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा फोटो लाइक वाई, अपने यहाँ पे गर्लफ्रेंड का नाम लिख देना है। सपोज मैं किसी अपने फ्रेंड का नाम लिख रहा हूँ, और यहाँ सर्च वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना है आपको।
तो यहाँ पे ये मेरा फेसबुक फ्रेंड जिस फोटो को लाइक किया है वो सारे लिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने गर्लफ्रेंड के लाइक किए हुए सारे फोटो को जान सकते हैं कि वो किस किस फोटो पे लाइक कर रही है और किस किस फोटो पे कमेंट कर रही है। दोस्तों, छठवें ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करें छठवें ट्रिक की, तो ये ट्रिक बहुत कमाल की ट्रिक है और आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि आप फोटो खींचते हैं तो वो फोटो आपकी बहुत कमाल की लगती है और बहुत अच्छी अट्रैक्टिव लगती है और काफी एचडी टाइप की क्लियरिटी आती है, मगर वो फोटो आप फेसबुक पे जैसे ही अपलोड करते हैं तो वो फोटो पहले जैसा एचडी टाइप की नहीं लगती है। तो यदि आप चाहते हैं कि वो खींचा हुआ फोटो एचडी क्वालिटी में ही फेसबुक पे अपलोड हो तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे, और इस तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, तो क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे। अब सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मीडिया एंड कंटेंट का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मीडिया एंड कंटेंट पे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखलाई दे रहे होंगे, अपलोड फोटो इन एचडी, अपलोड वीडियो इन एचडी। तो यहाँ पे इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देने से होगा ये कि आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे तो एचडी क्वालिटी में ही अपलोड होगा। दोस्तों, अब बात करें सातवें ट्रिक की, तो ये बहुत कमाल की ट्रिक है और बहुत मजेदार ट्रिक है। ये ट्रिक टैगिंग से संबंधित है। अक्सर फेसबुक चलाने वाले लोग टैगिंग को लेकर बहुत काफी परेशान रहते हैं और सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि आपके टाइमलाइन में अन्य लोगों का टैग हो जाना, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जबरदस्ती आपके टाइमलाइन में अपने फोटो को टैग कर देते हैं ज्यादा लाइक पाने के चक्कर में। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके टाइमलाइन में अन्य लोग टैग ना कर पाए तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टाइमलाइन एंड टैगिंग। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उन सब में ओनली मी कर देना है, और इसके बाद जहाँ पे भी यस और नो का ऑप्शन मिले तो वहाँ पे आपको यस कर देना है, और उसके बाद बाकी जगह पे ऑन ऑफ का ऑप्शन मिले तो यहाँ पे ऑन कर देना है, जैसे यहाँ ऑन कर देना है, और इसके बाद फिर यहाँ पे ऑन पहले से ही है, और यहाँ पे एक टैगिंग का ऑप्शन है तो यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक करके ओनली मी पे क्लिक कर देना है। इससे आपको फायदा होगा कि आपके टाइमलाइन में अन्य लोग आपको जबरदस्ती टैग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें आठवें ट्रिक की, तो ये ट्रिक बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। ये ट्रिक जानने के बाद आपको अपने आंखों पे भरोसा नहीं होगा। इस ट्रिक की मदद से आप अपने गर्लफ्रेंड या किसी भी व्यक्ति को जान सकते हैं कि वो दिन भर कहाँ था और कौन से स्थान पे था, मतलब कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं फेसबुक को सब पता होता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं और उस लोकेशन की हिस्ट्री आपके फेसबुक में सेव होती है। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, और यहाँ पे तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आने पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, तो यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। लोकेशन पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा लोकेशन हिस्ट्री पे। लोकेशन हिस्ट्री पे क्लिक कर देने के बाद व्यू योर लोकेशन हिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने गर्लफ्रेंड का मोबाइल लेके आप जान सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ गई थी। तो और यहाँ पे सबसे ऊपर में कॉर्नर पे तीन डॉट दिखाई देता है, तो यहाँ तीन डॉट पे क्लिक करके आप कैलेंडर को ओपन कर लीजिएगा। कैलेंडर को ओपन करने के बाद आप जिस डेट को जाना चाहते हैं कि इस डेट को हम कहाँ थे या हमारी गर्लफ्रेंड कहाँ थी, तो उसका मोबाइल लेके यहाँ पे उस दिन का डेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से देखिए लोकेशन का पूरा हिस्ट्री खुल जाता है कि आप दिन में कहाँ कहाँ विजिट किए हुए थे। तो है ना कमाल का ट्रिक है। तो गाइस, जब नवी नंबर की ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलते हैं अब नवी नंबर की ट्रिक की तरफ। दोस्तों, अब बात करें दसवें ट्रिक की, तो ये ट्रिक बहुत काम की है और आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इस ट्रिक की मदद से आप जान सकते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट को कहीं हैक तो नहीं किया गया है, या फिर आप जान सकते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट किस किस डिवाइस में चल रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे।
सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक कर देने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फेसबुक आईडी किस किस डिवाइस में यूज हो रही है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है सी ऑल का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और सी ऑल पे क्लिक कर देने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फेसबुक आईडी किस किस डिवाइस में लॉगिन हुआ है। अब यहाँ पे गाइस देख रहे हैं जितने भी डिवाइस में हम अपने फेसबुक आईडी को लॉगिन किए हुए, तो उन सभी का डिटेल यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अभी एक और चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अभी केवल एक ही डिवाइस में एक्टिव फेसबुक है। और यहाँ से आप उसे लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे, और यहाँ पे इस तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा लॉग आउट पे। यहाँ पे इस तरह से सभी डिवाइसेस को लॉग आउट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 10वें की, तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल जादुई जैसा लगेगा, क्योंकि आपके फेसबुक में जितने भी फ्रेंड है, मतलब कि 5000 फ्रेंड है, और आपके फेसबुक फ्रेंड अगर आपके आसपास से गुजरेगा तो फेसबुक आपको बता देता है कि ये फ्रेंड आपके कितने किलोमीटर दूर से गुजरा है, और आप उसे हाय हेलो भी कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को देखने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको ढूंढना है नियर बाई। अब गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा नियर बाई फ्रेंड्स पे। तो यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे दिख जा रहे हैं कि ये फ्रेंड हमारे कितने पास से गुजरे हुए, जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ पे दिखलाई दे रहा है कि रामेश्वर वन जस्ट नाउ एक किलोमीटर के आसपास से ये गुजरे हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने सभी फ्रेंड को देख सकते हैं। सिमोर पे क्लिक करके आप अपने सभी फ्रेंड को देख सकते हैं कि ये फ्रेंड हमसे कितने करीब से गुजरा हुआ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा। तो बात करते हैं ट्रिक नंबर 11वें और अंतिम ट्रिक की। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं कि अगर यदि आप गार्जियन हैं और आपके चाइल्ड, मतलब आपके बच्चे कितने समय तक फेसबुक पे टाइम बर्बाद करते हैं, या फिर आप अपने गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कितने देर तक दिन का फेसबुक यूज करती है, तो उसका मोबाइल लेके आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा योर टाइम ऑन फेसबुक, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि संडे का है तो 1 आवर 1 मिनट, और यहाँ पे इस तरह से बाकी दिन का भी देख सकते हैं। बाकी दिन का जैसे कि मैं मंडे का देखूँ तो मंडे का मैं सिर्फ 4 मिनट के लिए फेसबुक यूज किया हूँ, और यहाँ पे जैसे बात करें वेडनेसडे का तो यहाँ पे 1 आवर 8 मिनट मैं फेसबुक यूज किया हूँ। तो गाइस ये थे फेसबुक की 11 ऐसे ट्रिक जो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी ट्रिक आपको समझने में परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी जाने इस ट्रिक के बारे में। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।